नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में, जहां पर हम आपको नई नई जानकारी से अवगत कराते रहते हैं। तो ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ हम आपके सामने फिर से प्रस्तुत हुए हैं। तो यदि आपने अपना चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको समय पर प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, हमारी जो वीडियो रहती है वो अधिकतर इस बेस पर रहती है कि जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछें और हम उनको बताएं, उसकी जो जानकारी है वो हम उनको एक अच्छे प्रारूप में उनके सामने रखें। तो दोस्तों, आज का जो हम वीडियो लेकर आए हैं वो उसी प्रश्न के ऊपर है। हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें एक वीडियो डाली है कि क्या देशी गायें वास्तव में ही कम दूध देती हैं, क्या ये सत्य है या फिर ये एक ऐसा भ्रामक झूठ है जो हमारे किसान भाइयों या फिर जो हमारी गौवंश है उनके प्रति हमारा जो है अविश्वास पैदा किया जा रहा है हमारे मन में। तो दोस्तों, इसी तरह की भ्रांतियों को दूर करने के लिए हम आज ये वीडियो लेकर आए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये कि हमारी जो देसी नस्लें हैं, यदि उनका खान पान हम अच्छा दें, जिस तरह से हम जो विदेशी या फ्रीजन नस्ल की जो हमारी जो ये डेयरियों में गायें होती हैं, इनकी तरह अगर हम उनकी प्रॉपर फीडिंग करें प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ में, तो हम देखेंगे कि हमारी जो गायें हैं वो भी अच्छा दूध देने की क्षमता रखती हैं। दूसरा, जैसे कि नस्ल सुधार कार्यक्रम हमारी सरकारों के द्वारा या फिर जो प्राइवेट कई समितियां हैं जो सीमन कलेक्ट करती हैं या सीमन डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, वो जिस तरह से जो विदेशी नस्ल के जो सांड हैं या फिर विदेशी नस्ल की जो गायें हैं, उत्तम नस्ल के जो सांड हैं, उनका सीमन जो है प्रत्यारोपित करते हैं इन गायों में, तो उससे एक अच्छी ब्रीड डेवलप होती है। तो यदि हम भी देसी नस्ल जो हैं आज के समय में जो विलुप्त की कगार पर हैं, अगर आप देखेंगे हमारे यहाँ पर बहुत सारी नस्लें पाई जाती थी, लेकिन अभी उनमें कुछ ही नस्लें हैं जो अभी मुख्य रूप से मौजूद हैं, जिनमें साहिवाल, थारपारकर, गिर और आपका रेड सिंधी का भी अस्तित्व सा खत्म सा ही है। तो ये दुधारू नस्लें हैं जो जिनमें हमें संवर्धन की आवश्यकता है। यदि हम इन पर ध्यान दें, इनके उच्च क्वालिटी के हम इनमें सीमन का प्रत्यारोपण करें, तो हमें निश्चय ही रिजल्ट अच्छा मिलेगा। दोस्तों, मैं स्वयं की आपको एक बात बता देता हूँ कि मेरे पास में एक साहिवाल की गाय है, तो जिस समय मैं उसको लेकर आया था तो उस समय उसके वो 4 से 5 लीटर दूध दे रही थी, और जिस इनके पास से लेकर आया था मात्र मैं उसको 16,000 रुपये में लेकर आया था, और उन्होंने ये बोला था कि ये इससे ज़्यादा दूध नहीं देगी। तो हमने कुछ अपने प्रयोग किए, हमने अपना फीडिंग का जो तरीका है वो बदला, उनको जो है फीडिंग प्रॉपर फीडिंग पे लेके आए, और हमने कुछ एडिशनल ऐसा कोई फीड नहीं दिया, हमने खाली उनको उसको गेहूं और जौ का बाटा दिया। तो जिससे कि हमने देखा कि वो एक हफ्ते के अंदर जो 4 से 5 लीटर दूध देती वो 8 लीटर दूध पर आ गई। दूसरा दोस्तों, हम क्या करते हैं कि घरों में हम जो है थोड़ा जो पानी है अपनी गायों को पिलाने में हम थोड़ा आलस्य कर जाते हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम पानी के पास लेकर जाएं या फिर उनको खुली रखें तो वो अपनी इच्छा से पानी पी सके जितनी उनको प्यास हो। तो कई बार ऐसा होता है कि पशु को प्यास लगी है लेकिन हम उनको पानी नहीं पिला पाते, ये भी पशुओं में दूध घटने की एक बहुत बड़ी समस्या है। तो दोस्तों, जब भी आपको समय मिले आप अपने पशुओं को पानी अवश्य 2, 3, 4 टाइम जितनी बार आप दिखा सके उतनी बार आपको दिखाना चाहिए, क्योंकि गर्मी का मौसम है और गर्मी में पशु को जो ठंडक है वो पानी की वजह से ही मिलती है। तो दोस्तों, इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें, ये जो है भ्रामक झूठ है कि हमारी जो देसी नस्लें हैं वो दूध नहीं देती हैं। यदि आपको अच्छी क्वालिटी का आपको दूध चाहिए, आपको अपने घर के लिए या फिर किसी को बेचने के लिए फैट की अधिकता चाहिए, तो आप अपने घर में देसी गौ का पालन करें। देसी गायें हमारी 25-28 लीटर तक की क्षमता रखती हैं दूध देने की। मैंने अभी एक साहिवाल का फार्म का विज़िट किया था, तो उसमें उनके पास 25 लीटर तक की साहिवाल गायें हैं जो दूध
अच्छी क्वालिटी का दे रही है। लेकिन दोस्तों मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, यदि आप अपने घर के लिए, किसी व्यवसाय के लिए, यदि आप देशी गौ लेना चाहते हैं तो 12 से 15 लीटर के दूध की आप लें। उसके दूध की क्वालिटी भी अच्छी होगी, फैट कंटेंट भी अच्छा होगा और उसके दूध में भी टेस्ट आएगा। तो दोस्तों ये जो आज हम वीडियो लेकर आए हैं वो इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि जिससे कि आपको ये पता चल सके कि हमारी जो देसी गोवंश है वो भी एक अच्छा दूध दे सकता है यदि हम उसकी प्रॉपर फीडिंग करें तो। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अवश्य बताएं। आगे की जानकारी के लिए लेकर हम आपके सामने फिर से जल्द ही प्रस्तुत होंगे। तो दोस्तों हमारे साथ स्वदेशी अभियान से जुड़े रहिए, आपसे जल्द ही मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।